Hello everybody, thank you for returning to Himachal Wire. आज टूरिज्म फिक्सेस में एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपसे। तकरीबन 2 साल पुरानी बात है, मैं धर्मशाला के मैक्लोडगंज गई। कुछ दिन मैंने वहां पे बिताए। मैक्लोडगंज एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। दलाई लामा के वहां होने के कारण इंटरनेशनल मैप्स पे वो एक प्रोमिनेंट जगह है, तो मैं उस जगह को समझना चाहती थी। तकरीबन 4 रातें 5 दिन मैंने वहां पे लगाए। मैक्लोडगंज बहुत बड़ी जगह नहीं है, लेकिन उस छोटी सी जगह में बहुत सारे ड्रग एडिक्शन सेंटर्स हैं। एक ड्रग एडिक्शन सेंटर में एक लड़के से मेरी बात हुई। वो पहले एक ड्रगी था और अब उसकी ड्रग्स काफी कम हो चुकी थी। उसने मुझे बताया कि ये जो ड्रग्स हैं वो दिल्ली से बसेस में आ रही हैं। ड्रग्स के नाम पे उस वक्त वो टैबलेट्स ले रहे थे, वो गोलियां जो डिलीवरी के वक्त फीमेल्स को दी जाती है, और वो इजीली अवेलेबल थी वहाँ पे। एक टूरिस्ट गाइड से भी बात हुई हु इज डूइंग रियली गुड देयर, और उसके पास बॉलीवुड से, साउथ से बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज आती हैं ट्रैक के लिए। लेकिन उसने ये बताया कि अब दिक्कत हो गई है, मैक्लोडगंज में इतने ज़्यादा ड्रग पेडलर्स हो गए हैं कि टूरिस्ट को सेफ फील नहीं होता। बहुत सारी पार्टीज उनसे अब रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें धर्मशाला से ही पिक कर लिया जाए और किसी नई जगह ट्रैक के लिए ले जाया जाए। वो मैक्लोडगंज आना ही नहीं चाहते। ये इस जगह की बहुत बड़ी आयरनी है। जैसे मैंने कहा कि दलाई लामा के वहां रहने से ये इंटरनेशनल मैप्स पे प्रोमिनेंट जगह है, दुनिया भर का टूरिस्ट वहां आता है। हम उस टूरिज्म को संभाल ही नहीं पा रहे। मैक्लोडगंज में ड्रग पेडलर्स के कोड्स चलते हैं। अगर कोई इस बारे में जानता नहीं, ही इज नॉट वन ऑफ देम, या फिर ड्रग्स में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। इट इज अ नॉर्मल रेस्टोरेंट एटमोसफेयर, एवरीथिंग इज फाइन। ऑलमोस्ट हर जगह ये डीलिंग्स हो रही हैं, और ये समझना बहुत ही अजीब लगता है कि इतने बड़े पैमाने पे ये चीज हो रही है, और जो लोग इसे संभाल सकते हैं, रोक सकते हैं, उन्हें पता नहीं। मैक्लोडगंज से कुछ ऊपर धर्मकोट है। धर्मकोट को इजरायलीज का डेन बताया जाता है। जंगल से आप कुछ ऊपर चले जाएं तो वहां पे जो बोर्ड्स हैं वो भी हिब्रू में लिखे हुए हैं। कुछ लोकल लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया धर्मकोट में लोकल ड्रग माफिया नहीं ऑपरेट करता, गोवन ड्रग माफिया करता है। और ये जो माफिया है ये ऑन द गो रहता है, कुछ महीने किसी स्टेट में, इट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। धर्मशाला नोबल पीस प्राइज लॉरिएट दलाई लामा की जगह है, हिमाचल देवभूमि है। जब मैक्लोडगंज के बारे में हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं, तो क्या हम चाहेंगे कि हमारी जगह एक ड्रग डेन की तरह प्रेजेंट की जाए? और ये उसकी सच्चाई है, ये झूठ नहीं है। अभी तक ऐसा कुछ हुआ भी नहीं कि वहां पे जो टूरिस्ट जाता है वो सेफ फील करे। एक बहुत भारी मात्रा में टूरिस्ट वहां पे ड्रग्स और बहुत सारी और अनसिविलाइज चीजों को करने के लिए जाता है। ये हमारी एक बहुत ही खूबसूरत जगह की रेपुटेशन बिल्ड हो गई है। इट इज वेरी सैड दैट वन ऑफ द बेस्ट दैट वी आर अनेबल टू मेंटेन इट। हिमाचल का टूरिज्म में मैं ये दुर्भाग्य बोलूंगी, जो खूबसूरती हमारे पास है जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं, उसे हम संभाल नहीं पा रहे हैं। While interacting with the locals, मुझे ये भी पता चला कि ड्रग डीलिंग के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है मैक्लोडगंज में। छोटे छोटे बच्चों को 100 रुपये 50 रुपये दे के बोला जाता है, ये लो ये सिगरेट, उन्हें दे आओ। That is all they have to do to earn some money. त्रिवुंड, मैक्लोडगंज की एक बहुत खूबसूरत पहाड़ी जिसपे बहुत सारे टूरिस्ट ट्रैक करना चाहते हैं। The tourist guides admit there कि अपने टूरिस्ट को ड्रग पेडलर्स से बचाना ही बहुत मुश्किल है। They have to pick up a fight with them. It becomes very dangerous at some points. बहुत सारे health conscious tourists जो वाकई हिमाचल की वादियों में फ्रेश एयर लेने आते हैं, ट्रैक करने आते हैं और सिर्फ अपने आप को डिटॉक्स करने आते हैं, वो लोग अब मैक्लोडगंज नहीं आना चाहते। क्या इस तरह हम अपने टूरिज्म को बढ़ा पाएंगे? बढ़ाना तो दूर, इस तरह तो हम उसे बचा भी नहीं पाएंगे।
Thank you for watching Himachal Wire. Do subscribe and press the bell icon for more such videos. Stay updated. Thank you so much.